इस वीडियो में हम लोग जो है इडियम एंड फ्रेज का जो है पार्ट 7 देखने हैं वाले हैं। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका इडियम एंड फ्रेज जो है लगभग कुल 14 से 15 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, और इस पे आधारित आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिए जाएंगे। और लास्ट में एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को 300 से 400 के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इडियम फ्रेज रहेंगे, 2 घंटे के, 2 से 2.5 घंटा या 2 घंटे का एक वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको इन पूरा वीडियोज को अंत में ना देखना पड़े। आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज को हमारा कोर्स के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि उसके बदले फिर से आपका रुपया लिया जाएगा। जब आप एक बार हमारे कोर्स से जुड़ जाते हैं तो आपका एग्जाम तक जो भी है एक्स्ट्रा 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता है। तो उसी में जो है आपको, और मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि एग्जाम के जस्ट पहले आप बस रिवीजन करके अपना काम कर सकें, जैसा 1 वर्ष में किया था मैंने, और आप देखे होंगे 2020 के एग्जाम में 5 का 5 वन वर्ड्स वहीं से आए थे, सिर्फ उस 1.5 घंटे के वीडियो से। तो जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं तो उसको ये मान के पढ़ना है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे अपने कंटेंट के प्रति तो आपके क्या है, लापरवाही रहेगा कि आप सही से नहीं पढ़ेंगे। आप जब सीरियस रहेंगे कि यही हर एक क्वेश्चन को इस नज़र से देखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तब क्या होगा, आपको मैक्सिमम चीज़ें याद होने लगेंगी और इंटरेस्ट आने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 7, गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई मैथ का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी, और आपको लगता है कि वह आपके समझने की क्षमता से बाहर है, तो आप क्या बोल सकते हैं, गोइंग ओवर माई हेड या वंस हेड, यानी हमारा समझ की क्षमता से वो चीज़ बाहर है, ऊपर ऊपर निकल जा रहा है। बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, यानी खुद के समझने की क्षमता से बाहर। गट डाउन टू बिजनेस, गॉट डाउन टू बिजनेस का अर्थ होता है किसी कार्य को सीरियस होके, ठीक है, या किसी व्यवसाय को सीरियस होके किया जाए। बिगेन टू वर्क सीरियसली, यानी कि गंभीरता से किसी कार्य को किया जाए। हमारा अप्लीकेशन पे फ्रेंड्स 2021 के लिए और उसके बाद के वर्षों के लिए, जिन लोगों ने CISF में 2017 में ज्वाइनिंग किया है उनके लिए भी कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। फॉर्म भले ही लेट में आएगा, आपको भी पता है कि नवंबर दिसंबर दिसंबर में मैक्सिमम चांस है फॉर्म आने का, लेकिन तैयारी अगर आप पहले से करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गॉट द ग्रीन लाइट, गॉट द ग्रीन लाइट का अर्थ होता है जैसे आप ट्रैफिक पे होते हैं, चौराहे पे होते हैं, तो जो आपको दिखता है ग्रीन लाइट दिख गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि अब आपको जाने की अनुमति है। रेड लाइट आ गया, अब आपको परमिशन नहीं है, यानी अब आप आगे नहीं जा सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली मैक्सिमम चीज़ों को याद रखेंगे तो ज़्यादा दिन याद रखेगा। तो गॉट द ग्रीन लाइट यानी आपको किसी कार्य को करने की अनुमति मिल गई है। गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, यानी कि किसी चीज को करने का आपको अनुमति मिल चुका है। ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम का अर्थ होता है किसी को रिश्वत देना, क्या रिश्वत देना, अपना काम निकालने के लिए क्या करना, रिश्वत देना। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, ग्रेट माइंड थिंक अलाइक का अर्थ होता है कि दो लोगों का समान तरह का सोच रखना, ठीक, कैसा, दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समान तरह से सोचना। When two people have the same opinion or make the same choice, यानी उनका पसंद सेम हो या विचार सेम हो, तो क्या कहा जाएगा, Great minds think alike। ग्रीन थंब का अर्थ होता है गार्डेनिंग में इंटरेस्ट होना। आप देखते होंगे छत ओत पे या बरामदे में या आपका घर के बाहर कई लोग गार्डेनिंग करके रखते हैं, तो उसे क्या आप बोल सकते हैं, ग्रीन थंब, यानी उनको जो है गार्डनिंग में क्या है, इंटरेस्ट है। टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग। हैडंट ए लेग स्टैंड ऑन, हैडंट ए लेग स्टैंड ऑन का अर्थ होता है
कि किसी कार्य को आप तो कर रहे हैं लेकिन आपको ज्यादा उम्मीद नहीं है क्या? अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो आपको उम्मीद नहीं है कि वह व्यक्ति वो कार्य कर पाएगा। Did not have much hope of getting it, यानी कि ज़्यादा उम्मीद नहीं होना। Hand in glove का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता। क्या? घनिष्ठ मित्रता। In close association, in partnership, something dishonest, यानी कि कुछ गलत कार्य में भी जो मित्रता, जैसे क्या होता है, जैसे नहीं कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, क्या? चोर चोर मौसेरा भाई, यानी घनिष्ठ मित्रता होती है गलत काम करने वालों में। हैंड ओवर फिस्ट का अर्थ होता है बहुत तेजी से, क्या? बहुत तेजी से और लगातार। हैंडल विथ किड ग्लव्स का अर्थ होता है किसी काम को बहुत सतर्कतापूर्वक सावधानी से करना, क्या? सतर्कतापूर्वक सावधानी से। टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, यानी किसी का इलाज या कोई कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक और सतर्कता से किया जाए। हैंग वंस हेड का अर्थ होता है टू बी असेम्ड, यानी कि कोई आपने ऐसा गलती कर दिया या कुछ भी कर दिया कि आपको क्या हो रहा है, शर्मिंदा महसूस हो रहा है। Hang up your boots का अर्थ होता है कि अपना सेवा जो है समाप्त करना, यानी कि संन्यास लेना। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है या कोई भी खिलाड़ी है, वह क्या कर रहा है, संन्यास ले रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, Hang up your boots, यानी to take retirement, संन्यास लेना। Hanging by a thread का अर्थ हो जाता है बी इन ए डेंजरस सिचुएशन, यानी कि खतरनाक मुश्किल स्थिति में होना। हार्ड एंड फास्ट यानी कि बहुत जो स्ट्रिक्ट हो, फिक्स्ड हो, नॉट अल्टरेबल, यानी कि जिसे बदला ना जा सके, जिसे चेंज ना किया जा सके। दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कोई नियम या कानून जिसे बदला ना जा सके। हार्ड ऑफ हियरिंग का अर्थ होता है जो सुनने में, मतलब जो बहुत ऊंचा सुनता है, यानी जब बहुत आप चिल्ला के बोलेंगे, बहुत तेजी से बोलेंगे, तब जाके वह सुनेगा, यानी कि टू बी डीप, बहरा होना। हैज ए बी इन हर बोनेट का अर्थ होता है बहुत जुनूनी व्यक्ति। जैसे आप देखते होंगे कोई कोई रहता है, जैसे पढ़ाई के प्रति या किसी काम के प्रति लग जाएगा तो उसको बहुत जुनून रहता है, क्या रहता है, बहुत जुनून रहता है। इज एन ऑब्सेस्ड पर्सन। हैव ए बोन टू पिक विथ समबॉडी का अर्थ होता है डिसएग्री और बी अनॉयड विथ समवन, यानी किसी से क्या आप असहमत हैं या किसी से आप चिढ़े हुए हैं या किसी से आप क्या लड़ाई झगड़ा ये सब चीज से हम मतलब है। हैव ए चिप ऑन वंस शोल्डर, एंटरटेनिंग ए ग्रूज ओवर ए पास्ट इवेंट, नर्स ए ग्रूज, यानी कि कोई बीती घटना पे क्या हो करना, झगड़ा करना या ये सब चीज, पुरानी बातों पर अभी तक गुस्सा रहना, क्या? जैसे आपका कोई मित्र है, कोई पुराना गलती हुआ है या कुछ भी हुआ है और उससे आप आज तक गुस्सा हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, हैव ए चिप ऑन वंस शोल्डर। हैव ए फिंगर इन एवरी पाई का अर्थ हो जाएगा एक साथ कई कार्य